सर हेवी फ्लक्चुएशन समझ में नहीं आ रहा है. व्हाट डज द ग्राफ से? स्टॉक्स आर गोइंग अप, स्टॉक्स आर गोइंग डाउन. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in. टुडे 11 जुलाई 2019 थर्सडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं. जैसे कि आज थर्सडे है तो वीकली एक्सपायरी का दिन है निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का. सो बी केयरफुल वाइल ट्रेडिंग, हो सकता है आज एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आ सकती है. तो कल का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे, बाद में निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलते हैं. और जो प्रीमियम मेंबर्स है उनके प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच. चलते हैं कल के एनालिसिस के ऊपर. ये एक पिक्चर है कल का, यानी 10 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है. अगर आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी. सो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,583 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,512. तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का. निफ्टी जैसे ही ओपन हुआ तो हमारा ये ब्रेकआउट लेवल था, ये काफी देर यहाँ पर पेनेट्रेट हुआ और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये जो 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से ये इसके ब्रेकआउट लेवल के नीचे आके क्लोज हुआ. और जैसे साउथ की तरफ मूव हुआ तो हमारा ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ और फर्स्ट टारगेट 11,483 ये एग्जैक्ट यहाँ पर अचीव हुआ और इसने यहाँ पर ही सपोर्ट लिया कल और इसके नीचे और नहीं जा पाया. तो कल के इस प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और अगर 10 लॉट के हिसाब से ट्रेड करते तो अराउंड 18,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था. तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू. ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं. कल US मार्केट 3 दिन के गिरावट के बाद कल हरे निशान में बंद हुए. डाउ जोन्स, नासडैक 76 और 60 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद हुए. यूरोपियन बाजार देखें तो कल वहां पर प्रेशर दिखाई दिया, हल्के से गिरावट के साथ बंद हुए. आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके हैं तो निक्केई जापानीज इंडेक्स 69 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है. चाइना मार्केट में भी 15 पॉइंट की बढ़त है और हांगकांग मार्केट 354 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है. डाउ फ्यूचर देखें तो 51 पॉइंट की अभी इस समय बढ़त देखने को मिल रही है और एसजीएक्स निफ्टी भी पॉजिटिव नोट के साथ ट्रेड कर रहा है. तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से थोड़े पॉजिटिव संकेत देखने को मिल रहे हैं. चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर. वीकली चार्ट से शुरू करेंगे. यह है निफ्टी का वीकली चार्ट. कल का अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो हमने यहाँ पर लाइन चार्ट में ये बॉटम को पकड़ के यानी क्लोजिंग बेसिस के ऊपर यह ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया था. अभी वीकली चार्ट में ये वीक खत्म होने में 2 ट्रेडिंग सेशन बाकी है. अभी फिलहाल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर ये 2 दिन में इस फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आकर ये क्लोज होता है तो यहाँ से अपसाइड मूवमेंट बरकरार रह सकती है. जब तक ये 20 EMA और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता तब तक हम यहाँ पर अपसाइड मूवमेंट यानी अप ट्रेंड आने की पूरी गुंजाइश यहाँ पर दिखाई दे सकती है. ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आप पास्ट में देख सकते हैं, काफी समय इसने इसको पेनेट्रेट किया, लेकिन इसके ऊपर आके ये एट द एंड ऑफ द वीक इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है. तो यहाँ पर जब तक ये 20 EMA और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके इसके नीचे क्लोज नहीं होता तब तक हम यहाँ से और डाउन साइड मूव आने की जो चांसेस है वो कम दिखाई दे रहे. तो ये है वीकली चार्ट का सीनारियो. और अगर हम यहाँ पर फिबोनाची ये रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करें तो अभी एग्जैक्ट ये 61.8% का इसने रिट्रेस यहाँ पर कर चुका है. ये जो लो और हाई पकड़ के हमने ये ड्रॉ किया 11,488 के पास ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है. तो ये वीकली चार्ट का सिनेरियो. चलते हैं डेली चार्ट में. डेली चार्ट में अगर देखें ये जो ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट का काम कर रहा था कई दिनों से वो अभी फिर से यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है. तो अगर यहाँ पर ये फिर से 100 EMA के ऊपर आके क्लोज होता है, ये 100 EMA के ऊपर आके क्लोज होता है तो यहाँ से ऊपर में रेजिस्टेंस होगा ये 50 EMA का ये जो ब्लू लाइन है 11,705 ये फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा. अगर मैं इसे EMA के जगह सिंपल मूविंग एवरेज में कन्वर्ट कर दूं इसे ये तो 100 EMA और
100 SMA के अराउंड ये यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट कर रहा है, एक जोन बन चुका है इस समय यहाँ पर। तो ये जोन को अगर ब्रेक करता है ऊपर या नीचे तो उसके बाद ही हमें आने वाले ट्रेंड का यहाँ पर कंफर्मेशन मिल सकता है। तो अभी फिलहाल ये जो 100 SMA का लाइन है, हो सकता है जैसे कि पास्ट में इसने यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाया, तो हो सकता है इस बार भी ये दिखाए, हिस्ट्री रिपीट हो सकता है, लेकिन ऐसा ही होगा ये कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अगर कोई पॉजिटिव यहाँ पर पैटर्न बनता है, बुलिश पैटर्न, तो ये हम यहाँ से लॉन्ग जाने के लिए सोच सकते हैं। अभी फिलहाल वेट एंड वॉच का ये सिचुएशन है, फेज है। यह डेली चार्ट चलते हैं, 60 मिनट के चार्ट में क्विकली इंट्राडे स्ट्रेटजी बनाते हैं। यह 60 मिनट का चार्ट, अभी आप देखते हैं कि ये जो फॉल आया उसके बाद यहाँ पर कुछ समय थोड़ा ठहराव दिख रहा है निफ्टी इंडेक्स में। जब भी डाउन साइड ऐसे मूव आता है उसके बाद तुरंत अपसाइड मूव नहीं आता, तो जब भी ऐसा डाउन साइड मूव आता है तो उसके बाद कुछ समय यहाँ पर ऐसा कोई स्टॉक या निफ्टी इंडेक्स तो ये ऐसे कंसोलिडेशन जोन में ट्रेड करता है। यहाँ पर बुल्स और बियर्स का फाइट देखने को मिलता है। तो जब भी ऐसा कुछ कंसोलिडेशन फेज आता है तो वेट करना होगा कि इसका जब अपर बैंड और लोअर बैंड को ये अगर ब्रेक करता है तो ही इसके बाद हमें नेक्स्ट आने वाले ट्रेंड का कंफर्मेशन मिल सकता है। आइदर ये इस जोन के अपसाइड को ब्रेक करेगा या फिर डाउन साइड को ब्रेक करेगा। अभी फिलहाल यहाँ पर पॉज लिया हुआ है, हॉल्ट लिया हुआ है, तो वेट करना पड़ेगा। तो ये 60 मिनट का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकालें इस हाई और इस लो को पकड़ के, एक सेकंड, ये इस लो को पकड़ के, तो 23.6 का लेवल इसने यहाँ पर एग्जैक्ट एज अ रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पर। तो इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो 11,650 के लेवल समय यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। तब तक ये यहाँ पर 11,583 यानी 600 के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर सकते हैं और नीचे 11,450 का ये सपोर्ट बना हुआ है। तो इस जोन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है 11,600 और 11,450। तो आज के लिए इंट्राडे लेवल्स, अगर ये जो मंगलवार का ये जो लो बना है इसके नीचे अगर जाता है तो क्विकली यहाँ पर S1 का पिवट पॉइंट का लेवल आ रहा है, तो ये लेवल भी ब्रेक होने दीजिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,427, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकंड टारगेट होगा 11,404, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ऊपर की तरफ बढ़ता है तो आप देख सकते हैं कुछ लास्ट आवर्स, ट्रेडिंग आवर्स में यहाँ पर एक फेज बना है छोटा सा, तो इसका ये जो हाई है, अगर इसने इस हाई को ब्रेक किया अराउंड 11,532 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,556, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकंड टारगेट होगा ये जहाँ पर 20 EMA, एज पर आर्ली चार्ट ये 20 EMA आ रहा है और जहाँ पर कल से ये फॉल आया था, तो अराउंड 11,579 ही हमारा सेकंड टारगेट होगा। तो ये है आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी।